नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है खास खबरें। पुरस्कारों से हटे इंदिरा और राजीव के नाम। भाजपा सरकार ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिए जाने वाले दो पुरस्कारों से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम हटा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने दो पुरस्कारों को समाप्त कर दिया है। उनके स्थान पर आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार दो दशक से भी पहले शुरू किए गए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार के स्थान पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार शुरू किया गया है। आपने गांधी से भी किया किनारा, मान बने नेता। बागियों पर हमला जारी रखते हुए आपने धर्मवीर गांधी को आप संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी भगवंत मान को नियुक्त किया गया है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और दो अन्य को निष्कासित करने के एक दिन बाद पार्टी ने संगरूर से सांसद भगवंत मान को लोकसभा में 4 सदस्यीय समूह का नेता घोषित किया है। निकाले गए नेता धर्मवीर गांधी ने कहा कि असंतोष को दबाया नहीं जा सकता और यही सब कुछ है। आप गांधी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह चुपचाप बैठा रहे और पार्टी में जो गलत चल रहा है उस बारे में बात नहीं करे। ओवैसी बंधुओं के दिमाग में पाक का हरा रंग, कहा शिवसेना ने। संभाजीनगर और नई मुंबई में निगम चुनाव से एक दिन पहले शिवसेना ने एक बार फिर ओवैसी बंधुओं पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके दिमाग में पाकिस्तान का हरा रंग घुसा हुआ है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि संभाजीनगर पर भगवा उतार कर हरा रंग फहराना चाहते हैं और इनसे कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुखपत्र में लिखा गया है कि ओवैसी बंधुओं को बांद्रा में हुई अपनी पराजय नहीं भूलना चाहिए।